ये देखो यहाँ पे मेरी सासू माँ डब्बे लेके आई है खाली। पता आपने देख लिया था कि हाँ डब्बों की बहुत कमी है इधर, है ना। इतना ध्यान रखती है मम्मी, देख रहे हो। हम यहाँ पे डब्बों पे डिस्कशन करते रहते हैं रोज रोज कि डब्बे ये वो कम हो गए। अच्छा अचार आप दे लेके आए हो करो? मैं तो खाता नहीं। नहीं नहीं आज नहीं। पंखा बंद कर दो। हाँ काला नून मिर्च चाट मसाला मम्मी हैं। फौज तो बाद मतलब इन्ने साल बाद अज ही होना भी इन्ना समान लेके कितने निकले हो, शिफ्टिंग टाइप महीने दो महीने लई, है ना। कितने दिन का बैग पैक किया पिया सी? नहीं मम्मी तो कहनी मैं तो बैग पैक करके रखा। अच्छा ओके। पहले राजवीर से मिलने से पहले मेरे साथ होता था, मतलब हमारे साथ क्या होता था कि बाहर जाते हैं तो बाहर जाके सिर्फ मेरा मन करता था मैं पनीर भुर्जी खाऊं या कढ़ाई पनीर खाऊं। अभी जब से साथ में रह रहे हैं, हमारी जब से शादी हुई है तब से पनीर, हर दूसरे तीसरे दिन पनीर 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 पनीर। ठीक है, अब बाहर बंदा जाए पनीर क्या खाए, क्या ऑर्डर करे, क्योंकि पनीर ही होता था एक ऑर्डर करने के लिए। अब समझ ही नहीं आता बंदा क्या ऑर्डर करे क्या खाए। दाल मखनी रह जाती है फिर तो, क्योंकि दाल मखनी तो घर बनती नहीं है। पनीर पनीर तो अब पनीर हाँ। राजवीर ने मुझे पनीर खिला के। बाहर तो ये होता है रेस्टोरेंट में जाके एक पनीर की आइटम होती है हाँ। या एक मिक्स वेज होता है, एक दाल होती है बस। मेरी फेवरेट थी पनीर भुर्जी थी। मेरे को ये होता था मैं बाहर जाऊंगी तब पनीर भुर्जी खाया करूंगी या कढ़ाई पनीर खाया करूंगी। फिर अब मन ही नहीं करता है कुछ खाने का, पनीर से मन इतने में ही गुजारा हो जाता है मेरा। एक चम्मच से पेट भर जाता है वो ना, फिर अक जाता ना बंदा रोज रोज खा खा। दाल में मिस्सी रोटी खाऊंगी हाँ, वहाँ मिलेगी ना मिस्सी रोटी खाएंगे। नूडल्स खा लियो वहाँ, नूडल्स मिले हाँ, नूडल्स सब मिलते हैं हाँ होगा हाँ। कॉन्टिनेंटल भी होता ही है ना हर रेस्टोरेंट में। चलो देख लेंगे, वो ढाबा स्टाइल है, पूछ लेंगे होगा तो ले लेना। देखते हैं फिर। सो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी आज है राजवीर का बर्थडे और आज हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। फैमिली वगैरह आ गई है, मम्मी वगैरह मम्मी डैडी आ गए हैं सारे के सारे। सो अभी मैं होने जा रही हूँ रेडी, बहुत देर हो गई है। और मेरा जो एक्चुअली ना एक सीन हो गया मेरे साथ ना, जो मैंने सूट पहनना है ना वो मैंने ना टेलर को कुछ फिटिंग विटिंग का सीन था तो मैंने उनको दिया था कुछ करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा सूट नहीं किया है। तो मैं वेट कर रही हूँ राजवीर जब घर पर आएँगे तो वो सूट लेकर आएँगे मेरा, वो जिम गए हुए हैं अभी। तो अभी जब वो आएँगे तो सूट फिर देखते हैं। आई होप मुझे वो ढंग से आ जाए, कहीं पता लगे कि, क्योंकि एक बार भी दिया मैंने दिया भी कल, क्योंकि उनकी शॉप भी बंद थी नहीं तो मैं कल भी उनको दे देती। शॉप में फिर रेडी होती तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा बाहर जाने के लिए और घर वाले भी आएंगे यहाँ पे। तो पहले मैं रेडी होती हूँ, मेकअप वगैरह करती हूँ, फिर आपको अपना लुक दिखाऊंगी। सो गाइस यहाँ पर रेडी शेडी हुआ जा रहा है विक्की के बर्थडे पार्टी के लिए। आप रेडी नहीं होंगे? मैं होंगी ना, मैं तो 2 मिनट लगाऊंगी हाँ हाँ बेसिक सा हाँ। तो थोड़ा सा बनता है काफी टाइम बाद सेलिब्रेशन हो रहा है ना और फैमिली भी आई है तो साथ में तो थोड़ा सा फोटोज आएंगी क्लिक हाँ। करेंगे सारा कुछ, रील्स बनाएंगे फैमिली के साथ आज। थोड़ा सा अच्छे से हो जाना। मैंने भी अभी ना थोड़ा सा ही किया यार, मैंने ना ज्यादा नहीं किया। मैं वैसे तो फेस मेरा व्हाइट तो नहीं लग रहा ज्यादा, नहीं नहीं ठीक ही लग रहा है ना हाँ, लाल लग रहा है बल्कि हाँ। ये टिंट ज्यादा लगा लेती हूँ ना मैं थोड़ा अच्छा। सा क्योंकि इसको थोड़ी देर लगती है ना स्मज होने में। फिर ये क्या पहन रही है? ग्लो लगाते हैं। सूट पहनूंगी वही वाला जो मम्मी ने दिया था oh my God। वो अभी फिटिंग के लिए अभी राजवीर लेकर आया ना तब मैं उसके बाद मैंने मेकअप वेकअप कर लेती हूँ यार, तब तक सेट हो जाएगा थोड़ा सा हाँ। फिर उसके बाद वो करेंगे रेडी होंगे। आप भी बस हो जाओ रेडी। ये पता नहीं यार क्या गिर गया यार यहाँ पे, शेडो कब टूटता है पता ही नहीं लगता हाँ। ये गिर जाता होगा कहीं से। ये गिरी है तूने यूज की है? ये गिरी की, ये तो सारी यूज करी हुई है मैंने तो ऐसी पड़ी। वैसे तो गिरी है नहीं, बहुत अच्छी आई शेडो है यार ये वाली उठाई है तो मेरी कब की है। आपने भी मुझे एक दी थी वो तो अभी मैंने संभाल के रखी हुई है। मैंने कहा वो सेम है क्या? सेम नहीं, कलर अलग है। दिखाऊं मैं आपको? अच्छा उसके कलर अच्छा ये न्यू ये अलग है हाँ। ये वाला मैंने कहा ये तो अभी नहीं आ रही मुझे लगता है। एक होता है ना कि जब गिफ्ट मिलता है तो मन करता है यार उसको सजा के रखो, उसको आराम से यूज करेंगे जब सारे खत्म हो जाएंगे। नहीं पर ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है ना नहीं हाँ, है ना तो बहुत जब स्टार्टिंग में आया था तब भी आया तो बहुत पुरानी है इसको तो। आई शेडो को तो आराम से आई शेडो तो पड़ी है, रेवोल्यूशन की भी पड़ी है, बहुत सारी पड़ी है। अभी आई शेडो पर इसके मुकाबले हाँ ये थोड़ा सा ही लगाने की देर होती है, इतना सही लगता है यार फेस इसका। और ये भी मैंने डिस्काउंट पे ली थी, सिर्फ मैं भी डिस्काउंट पे लेती हूँ हुडा वाली साड़ी महंगी सारी डिस्काउंट पे लेती हूँ। ये तो मैंने लेकिन नायका से जाके ली थी, इधर नायका का है ना शोरूम वहीं से ले ली थी, ऑनलाइन नहीं मंगाई थी मैंने ना। मैंने कहा यहीं से जाके ले लो, अपन नेक्स्ट टाइम चलेंगे, अब यहीं पे ही होगा डिस्काउंट अगर होता है ना, नायका से जाके ही लेंगे, नायका पे बहुत अच्छी अच्छी लगी होती है। चलो आप भी हो जाओ फिर, चलो तुम्हें क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया। तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगी मम्मी की लिपस्टिक? अच्छी तो लग रही है नहीं, लाइट सा कलर पिंक सा, क्या बात है। हमें गुलाबी गुलाबी सूट, ये सूट भी सुंदर है ना, मैंने वो बोला था जैसे ही बैग से निकाला। मम्मी मेकअप कर दिया, थोड़ा सा और पाउडर लगा लो, थोड़ा सा डैडी पहले ही देखी, थोड़ा सा पाउडर लगा दे, डैडी पहले ही बोलते नहीं नहीं मेकअप नहीं, क्यों ठीक है बस क्रीम ही ला लेना, वो तो फेयर लवली ला लिया। अपन 8:30 बज जाने चंदे थे, किधर पहुंचे अभी हुनी पता नहीं, मतलब कितने हो गया हो चले हो यार। चलो ठीक है, मैं भी नहा तो ना, जल्दी से रेडी हो जाओ। मम्मी आप दिखाती हूं इसकी ना, जो इन्होंने पहननी है वो पहले ना सूट पहनने लगी थी, तो जिन्होंने भी गिफ्ट किए हैं सारे सूट फिट है मेरे को, सारे फिट हो गए हैं, फिट ही मतलब हां, बट जो तूने किया उसका शरारा इतना ज्यादा था कि मेरी मम्मी कहती रहने दे, कहीं अटक के गिरना। हाँ वही, मैंने पहले आपको यही बोला था कि दीदी वो शरारा है, आप कह रहे थे ना वो पहन लेती हूँ, मैंने कहा वो शरारा है कहीं वो पैरों में ना अट जाए, क्योंकि स्टेयर्स भी है ना उधर उतरना, फिर ध्यान, क्योंकि एक चुन्नी संभालो, ऊपर से प्लाजो संभालो, ये ऊपर से आप पेट संभालो, तो वो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो ये भी ड्रेस अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ड्रेस, ने मुझे एक दिया था येलो कलर का, बहुत मोटा था, मैंने अच्छा नहीं ड्रेस अच्छा लग रहा है, हाँ ड्रेस अच्छा लग रहा है दीदी, आज गोलू मोलू, दीदी आज गोलू मोलू से लग रहे हो, बाल छोटे कराएगा, कटिंग कराएगा, नहीं हेयर वो करा के आए ना, हेड वॉश वगैरह अच्छा लग रहा है, कटिंग वटिंग कुछ नहीं की मैंने, जो हल्का सा फाउंडेशन मैं ये करा के नहीं आई हूँ अपना हेयर कलर वगैरह, तो सैलून वालों ने क्या बोला कि आपके बाल ना हेयर फॉल नहीं हो रहे, ब्रेकेज हो रहे, क्योंकि मैंने ये देखना यहाँ से खड़े खड़े से हो जाते हैं ना, वो टूट रहेंगे, तो हेयर फॉल नहीं, आपके बालों का वॉल्यूम भी अच्छा है, आपके बाल से अच्छी बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने बोला ना जब मैं इतने साल से स्मूथिंग करा रही हूँ, तो उसके बाद भी आपके बाल ना काफी सही है, तो आप ये अब स्मूथिंग करानी बंद कर दो, मैंने कहा अब तो मैं कराती ही नहीं हूँ। कौन है योर केक, केक आया मैंने दस दे बस यही कि यार अब ब्रेकेज हो गया, तो ब्रेकेज का उसने कहा कि घर पे अपना ट्रीटमेंट वगैरह करते रहो बालों का, नहीं तो ये ब्रेकेज क्योंकि बीच में से छूट जाते ना, यहाँ तक आते होते फिर वो आधे गिरते, तो वो हो रहा है मेरे बालों में, नहीं तो उसने बोला बाल तो काफी आपके सही है, वॉल्यूम भी अच्छा है, मैंने कहा थैंक यू सो मच। हेलो बेल क्यों नहीं बजा? हाय कैसे हो? बढ़िया। हेलो 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 मिल लो, हेलो 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 तनु मिलिए, चलो बैठ जाओ मम्मी जी, सारे बैठ जाओ। गाइस ये है मेरा आज का आउटफिट, और ये है मेरी चमकती दमकती हुई बेलीस, अरे बड़ी अच्छी है ये, ऊपर से नीचे ससुराल का है। हाँ ये गिफ्ट किया, ये मम्मी ने गिफ्ट किया, और ये अमृतसर से नहीं क्या ये, हाँ अमृतसर लड़की ने मायके की है। तो गाइस देख लो ये सूट इसको पसंद नहीं था, पसंद नहीं आ रहा था मुझे ये, हाँ तो दीदी को पसंद आया, मेरे को सब देख के मैं दोनों को ऐसा जब पहने तो अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लगा कि पहन के देखती हूँ, उसके बाद ही मैं देखती हूँ लेना चाहिए नहीं। तो चोको नहीं थोड़ा इधर उधर पानी परफ्यूम चुका है आपको इधर गाड़ी में रह गया। जीजू का फोन कोई ना चलता रहता है ये सब। मम्मी मम्मी का सूट देखा? हाँ बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला। याद है आपको ये वाला करवा चौथ पे जब गिफ्ट किए थे एक दूसरे को आप दोनों ने? हाँ ये सुंदर है ना सूट, पीच कलर का, कलर अच्छा है। मेरे भाई और मेरा कलर मैच हो गया, आज हम दोनों सेम सेम हो गए। मेरा मुंह गोल गोल लग रहा है क्या? अंडे जैसे है। सही लग, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है ना? आप भी बहुत बढ़िया लग रहे हो, सारे बढ़िया लग रहे हो। और हाँ जी सारे अच्छे से रेडी होकर जाए, हम लोग बस निकल रहे हैं डिनर के लिए। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सारे ना। चाप, ये मलाई चाप सोनी, चाप लो। क्या खाना है पहले? जो तक थोड़े को लाऊंगा मौके जाता तुम पाओ लो पहला। उधर तो नूडल्स चल रहे हैं, तुम डाल लो। कैसा है खाना? दड़ी क्या? अच्छा रोटी खाती नहीं है बटर वाले। चल कुनाल कुल्फी ले ले। कुनाल लेगा कुल्फी? रबड़ी वाली? नहीं मैं नहीं खा रही। मम्मी कुल्फी नहीं खा रही अब, कोई से भी नहीं। मैं तो जम्मा नहीं खाऊंगी, मिठाई भी होता है। डैडी डैडी ये इतनी रंग बिरंगी कुल्फियाँ हैं इधर तो। डैडी कौन सी पसंद आई? रबड़ी कुल्फी खाओगे? नई फ्लेवर वाली कोई नहीं ट्राई करोगे? मम्मी रंग बिरंगी कुल्फिया है इधर। नहीं रंग बिरंगी कुल्फिया तुम ट्राई कर लो। तू कर ले, तू तो खाएगा। मीठे का शौकीन है, हाँ तू खा, खानी पड़ेगी मीठा। देख अच्छी लगती है ऐसे। डिम्पल तू नहीं ले रही? कैसी है? अच्छी है? नहीं है अच्छी, मीठी है बहुत। कैसी है? बहुत मीठी है। कंचन ये टेस्ट करना, फिर मेरे को भी डिम्पल देख ले कोई सी। रेड डोली तू भी खा के देख ले अब। ऐसी है खाना। मैं रह गई बस, आपने ले ली? नहीं खा रही। टेस्ट है, मेरे लिए पसंद कर दो कोई। अच्छी कौन सी है? पता इन सबसे रिव्यू लेगा, सबसे ले। अच्छी है तेरी? अच्छी है। मैं कौन सी लूँ? पसंद कर दो। रबड़ी कुनाल ने ले ली। ये रेड वाली, देखो रेड वाली, ये वाली गोवा। ये कौन सी वाली है? हाँ। रेड वाली ये अच्छी है। हाँ। गोवा है ये, सॉरी। हाँ सॉरी। ये खा के देखो, सबकी अलग अलग।